वेलकम दोस्तों, आप सभी को एनएलपी के वीडियो 6 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलपी के वीडियो 6 में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड इम्बेडिंग। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ड इम्बेडिंग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। तो चलिए पहले आगे हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गया। पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में, वीडियो 1 टू वीडियो 5 में हम लोग केवल प्री प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट ही हम लोग देखे थे। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, अगर मुझे किसी मॉडलिंग पर काम करना है, अगर मेरा एज ए इनपुट कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट पर मुझे कोई मशीन लर्निंग मॉडल लगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उस टेक्स्ट का पहले हमको प्री प्रोसेसिंग करना होगा, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर बॉक्स में दिखाया था, प्री प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट। अगर किन्हीं को इनके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, आप मेरे वीडियो 1 से लेके वीडियो 5 देख सकते हैं, जहां मैंने वीडियो 1 टू वीडियो 4 मैंने सेपरेट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक को डिफरेंट वीडियो में दिखाया था, और वीडियो 5 मैंने केस स्टडी से बताया था। तो वहां पर प्री प्रोसेसिंग के बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वर्ड इम्बेडिंग या फीचर एक्सट्रैक्शन। सो ये फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सो उसके बारे में हम लोग वीडियो 6 से लेके अपकमिंग अबाउट 5-6 वीडियो में हम लोग केवल वर्ड इम्बेडिंग के जो डिफरेंट टेक्निक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ड इम्बेडिंग क्या है, क्यों जरूरत पड़ रहा है, और डिफरेंट टाइप के वर्ड इम्बेडिंग है और उसमें कौन सा अच्छा है, जिसको यूज करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है उसको हम यूज करेंगे। सो मेनली मेरा कहना क्या है, ये जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम प्री प्रोसेसिंग करके एक डिफरेंट फॉर्म में लेके आएंगे, उस फॉर्म को एज ए इनपुट, इसी हमारा टेक्स्ट इनपुट था, यहाँ भी एक इनपुट होगा या टेक्स्ट रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और इस वेक्टर को एज ए इनपुट हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल में लगाएंगे। तो मशीन लर्निंग के मॉडल में हम लोग डायरेक्ट, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग किसी मशीन के बारे में करते हैं काम, तो मशीन लर्निंग क्या करता है, कि मशीन लर्निंग अगर हम किसी टेक्स्ट को डालते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है माई फ्यूरी डॉग, जिसे एक बहुत ही प्यारा डॉगी है, तो इसको अगर हम किसी मशीन में डालते हैं तो ये मशीन क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है, कि मतलब तो ये मशीन क्या हुआ, ये कंफ्यूज कर गया, मतलब कि इसका मतलब है क्या, माई फ्यूरी डॉग का मतलब है क्या, ये कंफ्यूज कर गया मतलब इसका हम क्या करेंगे। तो मशीन कभी भी एज ए टेक्स्ट को ये रीड नहीं कर पाता है कि ये क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए मशीन जब भी समझता है एज ए न्यूमरिक समझता है, तो इस टेक्स्ट को या किसी मशीन लर्निंग में अगर हम कुछ चीज भी बना रहे हैं, कोई भी मॉडल लगा रहे हैं, तो अगर लेकिन हम कोई उसका इनपुट जब भी होगा एज ए कोई वेक्टर या कोई न्यूमरिक वैल्यू ही हम डालेंगे। तो लेकिन मेरा एनालिसिस तो टेक्स्ट पर करना है, तो टेक्स्ट पर होगा कैसे, तो इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम लोग जैसे कि मैं फ्यूरी डॉग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एज ए वेक्टर क्रिएट कर देंगे। सो जस्ट लाइक माई फ्यूरी डॉग, ये एक सेंटेंस है, तो इसमें क्या 3 वर्ड है, तो माई एक वन डॉग हो गया, फ्यूरी वन अलग डॉग हो गया, फ्यूरी एंड डॉग अलग वर्ड हो गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोकनाइजेशन करेंगे। टोकनाइजेशन मतलब एक सेंटेंस का जितना है वर्ड टोकनाइजेशन, हर एक वर्ड को स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ स्प्लिट करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको वेक्टर में क्रिएट कर देंगे। जो वर्ड है उसको assign 1 कर देंगे, मतलब प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ 1 assign कर देंगे, डॉग है तो वो 1 assign कर देंगे। तो इस फॉर्मेट को केवल ये जो 1101 है, इस फॉर्मेट को मशीन इजीली टू रीड कर सकता है। इसी मेथड को किसी टेक्स्ट को किसी
वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ही हम लोग वर्ड इम्बेडिंग बोलते हैं। और वर्ड इम्बेडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक ही एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से वो समझने की कोशिश करते हैं, या कंफ्यूज होने कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे वर्ड इम्बेडिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप सारे वर्ड इम्बेडिंग के टेक्निक को देखिएगा, सारे वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है एक्चुअली और क्यों जरूरत पड़ रहा है। इसलिए मैं इस पूरे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ। पहले मैंने प्रिंट प्रोसेसिंग ले गया, प्रिंट प्रोसेसिंग के बाद मैंने वर्ड इम्बेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उस वर्ड इम्बेडिंग के बाद मैं इस चीज को मैं डिफरेंट मॉडल मशीन लर्निंग में लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्या हुआ। सो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे क्या है कि गूगल है, तो गूगल में मैंने क्या किया, एक सर्च किया माय फ्यूरी डॉग। तो सपोज दैट मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल लिया हूं कि हो सकता है गूगल में सर्च करने पर बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, तो जैसे कि यहाँ आया माय डॉग इज सो लवली, माय फ्यूरी पप्पी ऑलवेज लुक्स लवली। एक्चुअली क्या होता है कि वो डायरेक्ट समझ नहीं पाता है और उसके अनुसार भी रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो उसके लिए और उसके अनुसार आप क्या पूछना चाह रहे हैं वे भी कभी समझ में नहीं आता है। तो मतलब कि माय फ्यूरी डॉग है तो वर्ड्स रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, फ्यूरी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, माइस रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप जो वर्ड डॉक्यूमेंट है एक गूगल में, तो उससे रिलेटेड उसको देना उसके लिए आसान नहीं होता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे गूगल उसको रिप्रेजेंट करेगा, या कोई भी मशीन लर्निंग टेक्निक को हम लोग कैसे यूज करेंगे उस चीज के लिए हम लोग वर्ड इम्बेडिंग में देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी अगर इस चीज को माय फ्यूरी डॉग है या माय डॉग इज सो लवली है, तो अगर मशीन लर्निंग अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एज ए नंबर में और उसके बाद इस मशीन में डालेंगे, तो मे बी ये दो एग्जाम्पल दे सकता है। या अगर मैं केवल इस दो एग्जाम्पल को एज इनपुट दूं, उसके बाद या मैं मशीन लर्निंग में लगाऊं, तो वे किस प्रकार काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। चलिए एक दूसरे तरीके से देखते हैं हम लोग मेन एग्जाम्पल। इसमें मान लीजिए मैंने गूगल में सर्च किया माय फ्यूरी डॉग, तो यहां पर माय फ्यूरी डॉग का यहाँ ये जो क्वेरी था यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मेरा गूगल में यहाँ रन हुआ। जो क्वेरी रन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इसके पास बहुत सारा जहाँ इस गूगल में क्या बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो इससे रिलेटेड है। किसी डॉक्यूमेंट में माय लिखा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में फ्यूरी रिलेटेड है, कोई डॉक्यूमेंट में डॉग है। जैसे मान लीजिए कि माय डॉग एक डॉक्यूमेंट में माय डॉग इज सो लवली इस तरह पिक्चर है, उसका कॉमेंट यहाँ मेंशन किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट में क्या है, माय फ्यूरी पप्पी ऑलवेज लुक्स लवली, इस तरह क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो लेकिन अब मुझे तो सर्च करना था ये माय फ्यूरी डॉग, लेकिन यहाँ दो रिजल्ट शो कर रहा है। अब इस दो रिजल्ट में कौन सा रिजल्ट सही रिजल्ट है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है, इस टेक्निक को पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट इम्बेडिंग टेक्निक यूज करते हैं। सो डिफरेंट इम्बेडिंग टेक्निक क्या है, सो बैग ऑफ सो वर्ड या TF-IDF मॉडल या वर्ड टू वेक्टर मॉडल। सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीडियो 7 में डिस्कस करेंगे बैग ऑफ वर्ड मॉडल क्या है, उसके बाद हम लोग TF-IDF एंड वर्ड टू वेक्टर। तो इसका मतलब क्या समझे, वर्ड इम्बेडिंग से क्या हुआ कि वर्ड इम्बेडिंग से उस टेक्स्ट को मैंने एज ए वेक्टर चेंज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर इसे वेक्टर चेंज होकर यहाँ आ गया, और इस वेक्टर के कारण गूगल के पास इसके डाटाबेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जहां किसी में माई है, किसी में फ्यूरी है, किसी में डॉग है, लेकिन हो सकता है लाखों डॉक्यूमेंट होगा। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, इसे ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया, ऐसे लाखों डॉक्यूमेंट हो गया। उस लाखों डॉक्यूमेंट में कौन मेरा, सपोज हमको देखना है टॉप 10, सो टॉप 10 डॉक्यूमेंट कौन सा है,
एक एग्जांपल से देखते हैं, चलिए रियल टाइम एग्जांपल से इसी चीज को मैं सर्च करता हूं गूगल पर। हाँ, मैंने सर्च किया गूगल में, ओपन कर रहा हूं। गूगल में सर्च करता हूं माय फ्यूरी डॉग, क्या हुआ? एक चीज आप यहां देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, जब मैंने सर्च किया तो यहां पर क्या दिया, इतने सारे रिजल्ट शो किया, अबाउट इतने रिजल्ट को इसने शो किया रिलेटेड टू कुछ डॉग है। कहीं लिखा हुआ माय फ्यूरी फोस्टर, माय फ्यूरी वैलेंटाइन, कहीं डॉग का है, तो मतलब कि टर्मिनल ऑफ द, यहाँ केवल डॉग है, यहाँ की यहाँ माय फ्यूरी लिखा हुआ है, फोस्टर फैमिली, तो कहीं है कि डॉग से मतलब है, कहीं डॉग से मतलब नहीं है, माय फ्यूरी वैलेंटाइन है, मतलब यहाँ डॉग से कोई मतलब ही नहीं है। सो मतलब कि कहीं ना कहीं इसके बारे में अबाउट इतने सारे रिजल्ट, इस सारे रिजल्ट में इसमें टॉप 5 या टॉप 10 रिजल्ट कौन सा है, तो मतलब कि ये टॉप 10 रिजल्ट कैसे आ गया वहां पर। तो सेम एग्जांपल यहां पर मेरा है कि मैंने इसको सर्च किया तो ये दो एग्जाम्पल आए, ये दो एग्जाम्पल में मोस्ट एक्यूरेट कौन होगा, उसके अनुसार रिजल्ट कौन सा आना चाहिए। इस तरीके को जो टेक्निक है हम लोग को वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक या इसको फ्यूचर एक्सट्रैक्टर टेक्निक भी बोलते हैं, तो हम लोग देखेंगे आखिर ये दो केस में कौन सा एक्यूरेट मेथड होना चाहिए। ऐसे इसके बहुत सारे मेथड है, तो हम लोग उस मेथड पर नहीं जाएंगे कि गूगल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड है, बस हम लोग को यहाँ बस ये देखना है कि आखिर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल का एज ए इनपुट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल में शो कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, सपोज दैट मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट आ गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, माई डॉग इज सो लवली, तो वह टोकनाइज किया इसको भी, माई डॉग इज सो लवली, यहाँ क्या माई फ्यूरी पप्पी ऑलवेज लुक्स लवली, तो फ्यूरी पप्पी ऑलवेज लुक्स लवली यहाँ पर है, तो मैंने क्या असाइन किया, अगर डॉक्यूमेंट वन, तो ये हो गया मेरा डॉक्यूमेंट वन फर्स्ट, सेकेंड हो गया ये डॉक्यूमेंट टू, तो ये मैंने मेंशन किया टू, ये मेरा वर्ड है, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अवेलेबल है, माई डॉग इज सो लवली, जहाँ अवेलेबल वन है, माई वन अवेलेबल है डॉक्यूमेंट वन में, डॉग ऑल्सो अवेलेबल है, इज ऑल्सो अवेलेबल है, सो इज ऑल्सो अवेलेबल है, लवली इज ऑल्सो अवेलेबल है, तो मैंने वन असाइन किया, फ्यूरी डॉक्यूमेंट वन में अवेलेबल नहीं है, पप्पी नहीं है तो जीरो, ऑलवेज नहीं है तो जीरो, लुक्स नहीं है तो जीरो, सेम डॉक्यूमेंट टू में देखिए माई अवेलेबल नहीं है तो जीरो, डॉग नहीं है तो जीरो, इज नहीं है तो जीरो, सो नहीं है तो जीरो, लवली है, हाँ लवली है वन, फ्यूरी है, हाँ है वन, पप्पी है, हाँ है वन, ऑलवेज है, हाँ है वन, लुक्स है, हाँ वन है वन। तो मतलब कि यहाँ पर जितने सारे वर्ड थे सारे वर्ड को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया, और उस अरेंज को डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू में जो अवेलेबल है उसको वन किया, और जो नहीं है उसको मैंने जीरो कर दिया। इसको हम लोग वर्ड वेक्टराइजर भी या बैग ऑफ वर्ड भी बोलते हैं। तो इसके बारे में फुल डिटेल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आखिर बैग ऑफ वर्ड्स होता क्या है, आखिर क्यों यूज करते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेरी से कैसे हम लोग देखेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट का रिजल्ट आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग वीडियो यही खत्म करते हैं, और वीडियो 7 में हम लोग देखेंगे कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कोई फीडबैक देना है तो जरूर मेरे ये डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं उसके अनुसार, ताकि मैं कुछ आने वाले क्लासेस में उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपको एक अच्छा मटेरियल मैं दे सकूं। चलिए बाय एवरीवन।